गुड मॉर्निंग, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? इनू। अरे वाह, नमस्ते जी, आप भी आइए। किस चीज में सिलेक्शन हो गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। कहाँ पढ़ती थी तू? सोनीपत। मुझे तो याद ही नहीं आ रही, तो कब पढ़ी थी? अच्छा, 2022 में सोनीपत पढ़ी, फिर खरखोदा ले लिया। चलो, जो हम यहाँ पढ़ाते हैं और ब्रांच में पढ़ाते हैं, तो ऐसी ही पढ़ाई होती है या कुछ और होता? सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो खरखोदा ब्रांच वालों ने अच्छे से पढ़ाया तुम्हें और तुम सेलेक्ट हो गई हैं। कौन से गांव की हो? हसनगढ़ से। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लाओ घड़ी दो, आप भी आ जाओ, इधर आओ। हम लोग जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, तो ये घड़ी देते हैं। ये घड़ी हमने काफ़ी सोचा बेचारा क्या गिफ्ट दें क्या नहीं दें, तो ये एक सिंबल है कि हाँ, इसको हमने टाइम बदल लिया अपना। तो इस लड़की ने बदल लिया अपना टाइम? नहीं, वेरी गुड, हाथ लगाओ। बहुत बढ़िया। अपने बारे में कुछ बताना चाहोगी? ये तुम ही रखनी है। तुम ये सपना लेती थी घड़ी लेनी है? जब बच्चे आते थे घड़ी लेते थे तो तू क्या फील करती थी? अरे वाह, गॉड ब्लेस यू बिटिया, बहुत बढ़िया। तुम लोग भी सोचते हो ऐसा, पर तुमने ताली तो ऐसी बजाई। दो बातें हैं, बात को समझना, समझना ये बात। जैसे हम ताली क्यों बजाते हैं? हम ताली इसलिए बजाते हैं कि उसने कुछ अचीव किया, उसने कुछ अच्छा किया, उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज है, हाँ है ना? हम नमस्ते क्यों करते हैं? रिस्पेक्ट कुछ नहीं होती, जो क्वालिटीज उसके अंदर हैं वे ही हम भी चाहते हैं, इसलिए उसको नमस्ते करते हैं, उनकी कुछ गुणों को अप्रिशिएट करते हैं, हाँ या ना? Yes, बोलो। Yes, जैसे एक बच्चा स्कूल में गया, स्कूल के टीचर्स को नमस्ते करता, कारण टीचर्स के अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान हम ले लें। कुछ बच्चे जाते हैं ना स्कूल में, वो टीचर्स को नमस्ते मारते हैं, बाकी लोग ओए चल सीधा, उनको भी नमस्ते करनी चाहिए। कारण बहुत लोग करते हैं, जो सक्सेसफुल आदमी होते हैं ना वो उनको भी करते हैं नमस्ते। कारण जैसे स्टाफ के मेंबर हैं, इनको हम बहुत सारी ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चा ऐसा करे तो तुम्हें ऐसे करना, ऐसा करे तो ऐसे करना, ऐसा करे तो ऐसे करना, हाँ या ना? इनको भी बहुत सारा ज्ञान होता है। ये बताते हैं पार्किंग में ऐसे लगा लो, गाड़ियाँ ऐसे निकाल लो, ऐसे चले जाओ, कोई कार्ड चेक करता है, कोई कॉपी चेक करता है, तो ये पूरा सिस्टम है जिसके तहत नौकरी लगती है, हाँ या ना? ये पूरा सिस्टम मैंने अकेले नहीं चला रखा है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है। तो तुम्हारी नौकरी अगर लगेगी ना, तो उन सब के योगदान के कारण नौकरी लगेगी, हाँ या ना? तो सिर्फ टीचर्स को नमस्ते नहीं करना चाहिए, उनको भी नमस्ते करना चाहिए जो वहां लोग लगे हुए हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हाँ या ना? हम गाँव में चलते हैं, बड़े आदमी, अब बड़े आदमी की रिस्पेक्ट करते हैं। जिस आदमी ने एक उम्र का पड़ाव पार कर लिया, हाँ या ना? कोई 20 साल में दारू पीने लगे और 25 साल तक अपने लीवर फेफड़े गला करके मर जाए, गांव वाले कहे वो तो मरना ही था, तो इतनी ज़्यादा दारू पीता था, मानता ही नहीं था, हाँ या ना? दूसरा आदमी, उसने अपने शरीर को स्वस्थ रखा, उसने अपने परिवार को बांध के रखा, उसने अपने जो है लोगों को सही रास्ता दिखाया, उन लोगों से दूसरे लोग भी पूछे तो उनको सही बात बताता है, तो वैसे लोगों को नमस्ते ज़्यादा मिलती है, हाँ या ना? कुछ लोग मर जाते हैं ना छोटी उम्र में ही, और कुछ लोग 70-80 साल। अब 70-80 साल का बूढ़ा जब भी जाएगा तो गांव में से जितने आदमी उसके बराबर में से गुजरेंगे, सब नमस्ते मारेंगे, ताऊ नमस्ते, दादा नमस्ते, ताऊ नमस्ते, दादा नमस्ते, हाँ या ना? कारण कम से कम अपनी एज अपने आप को मेंटेन रखा। कोई 3 साल के बच्चे को नमस्ते करता? 30 के को, 70 के को, ज्यादा किसको? 3 वाले को, 30 वाले को, 70 वाले को। कारण ज्यादा लंबे समय तक सही रहा, हाँ या ना? कारण ये बताते नहीं कि नमस्ते क्यों करें, इसलिए झंझट होता है। उम्र के कारण नमस्ते मिलती है,
किसी आदमी ने खूब सारा पैसा कमा लिया तो नमस्ते मिलती है, किसी ने खूब सारा नाम कमा लिया तो नमस्ते मिलती है, हाँ या ना। और हम लोग उसको नमस्ते इसलिए करते हैं ताकि वे गुण हमारे अंदर आए। हम टीचर्स के पैर क्यों छूते हैं? क्लास में दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वे भाई मोटे ने गणा बेरा, दूसरे जो बातें सर आपने बताई वो हमने सुनी, हमने सोचने का तरीका बदला, मेहनत का तरीका बदला, आज हम कामयाब है। क्यों? मेरी बातें कुछ काम आती थी? वेरी गुड। मैंने जैसे सब पूछते हैं कि तूने बाहर से कितना पढ़ा, कितना पढ़ा, मैंने जो आईसीएस ने करवाया ना उतना ही करा। मैंने बाहर से कोई बुक भी परचेज नहीं की कि मेरे को ये करना है वो करना है, क्योंकि जो करवाया वो ही आ रहा। मेरा सर जैसे एक साल का कार्ड, जैसे एक साल में यहाँ सोनीपत पढ़ी तो 12 अक्टूबर को मेरा यहाँ कार्ड खत्म हुआ, तो ये वाला जो एग्जाम मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन है ना, 12 अक्टूबर को मेरा ये पेपर था और इस पे फाइनल सिलेक्शन, वो सिलेक्शन में ही 1.5 साल लग जाते हैं, अदरवाइज एक साल में रिजल्ट आपको दिखने लगते हैं जो सही से पढ़े तो। हाँ, सही से पढ़े। अब ये लड़की देखो कुछ बातें बोल रही, तो मेरे को सुनाई दिया इसने जो बोला। अब देख इसके एक्सपीरियंस के पीछे एक कारण बताऊं, ये बहुत कम एज में पढ़ने आ गई। इसके घर वाले इसके जो है, ये छोरी ने ब्याह दो ना तुम बुढ़िया कर दी, इसने तुम कद ब्याह हो गए, तो इस प्रकार के कमेंट सुनने को मिले ही नहीं। अब कोई आदमी 30 साल की उम्र करके आएगा तो उसको बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, हाँ या ना, बोलो। अब ये अपने गांव की रोल मॉडल है, जब ये निकलती होगी ना तो सब इसको देखते होंगे, या छोरी लगी है पुलिस में, ऐसा ही होता है, है ना। अब जैसे मैं एक बार की बात है, अभी कुछ दिन पहले कि मैं ऐसे घर से निकली थी तो कुछ लेडीज आ रही थी, भाई यो लगी है, यो लगी है, इस तरीके से कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मैंने जो कहा समझ में आया। अब इसने गांव की लड़कियों के लिए एक रास्ता खोल दिया, ये नौकरी लग गई ना, तो इसको देख करके 10 लड़कियों के और पर खुलेंगे, बोला वो लड़की भी तो पढ़ी और लगी नौकरी, हम भी पढ़ेंगे और लगेंगे, आया ना। अब यही लड़की घर से आती है, अब घर वाले हर रोज थोड़ी चेक करते हैं, कुछ बच्चे कल परसों ही मैं तुम्हारे से बात कर रहा था, मेरे ख्याल से जो बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं, गलत, और ये कितने ओयो होटल और ये सब चीजें खुले हुए हैं गलत रास्तों पर, लड़के लड़कियां ही तो जाते हैं और कौन जाता है। जो अपने घर से निकले, माँ बाप ने विश्वास किया, वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद गलत रास्ता पकड़ लिया, फिर बच्चा कामयाब कैसे होगा? मैंने जो बोला समझ में आया? तो ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है और माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, हाँ या ना। तुम्हें कैसे पता चला था इसे इसके बारे में? सर जैसे मैं एमकॉम कर रही थी उस टाइम पे, मेरी बीकॉम, तू एमकॉम कर चुकी है, हे भगवान, इसकी उम्र से इसकी ना इसकी त्वचा से इसकी उम्र का पता ही नहीं चलता। बहुत उनको अब मिठाई जरूर खिला के आना। जो मना कर रहे थे ना, है एक लड़की कल क्लास में उसकी है ना, किसी ने वीडियो बना के वो बना टक 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 टक, बबीता मैम पढ़ा रही थी तो उसमें भी वो टाइपिंग कर रही है। अब जो हिंदी वाले सर पढ़ा रहे थे उसमें टाइपिंग कर रहे, तो मैंने उसके जो स्टेटस पर लगा दिया कि एक मेहनती लड़की ने जो बबीता मैम की क्लास में नोट्स बना लिए, उसमें नोट्स बना लिए। उसका थोड़ी देर बाद मैसेज आया, सर मेरी बहुत बेइज्जती हो गई, सर बहुत गलती मेरे से हो गई। अब जो बच्चे इस प्रकार का काम करेंगे वो कैसे लगेंगे? और वही लोग घर से बाहर जा करके बदनामी करते हैं। हम लोग बेशक बदनामी करें उनसे हम डरते ही नहीं, हाँ या ना। अब जो बच्चे पढ़ते हैं इसका रिव्यू क्या है? इसका रिव्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्ट नहीं हुए उनका रिव्यू इंपॉर्टेंट है, ये हाँ या ना।
चलो बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। ठीक।